आज मैं अस्तर काटने का परफेक्ट तरीका बताऊंगी। ये जो ब्लाउज का कपड़ा है, इसके साथ अस्तर किस तरह से कटिंग करना है वो आज मैं बताऊंगी। ज़्यादातर लोग पहले अस्तर कटिंग करते हैं, उसके बाद जो ब्लाउज का कपड़ा है वो कटिंग करते हैं। मैं बोलूँगी ये सही तरीका नहीं है। पहले अस्तर नहीं काट करना है, पहले ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो कटिंग करना है, उसके बाद अस्तर कटिंग करना है। अभी कैसे करना है वो अभी बताऊँगी, देखते रहिए। ये जो अस्तर है ये 1/2 इंच ज़्यादा रखना है, इतना चारों तरफ इतना ज़्यादा रखना है। हल्का सा 1/2 इंच करके ये जो अस्तर है ये ज़्यादा रखना है। क्यों? ब्लाउज सिलाई के बाद जब एक दो बार धुलाई करते हैं, उसके बाद जो अस्तर है उस पर खिंचाव आता है। खिंचाव आने से वो अंदर से छोटा हो जाता है और ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो ज़्यादा हो जाता है, फिर ब्लाउज पे झोल आता है। इसलिए ज़्यादा करके अस्तर कटिंग करना है, और इतना ज़्यादा रखने से, ज़्यादा रख के फिर जब ये अंदर बराबर करके सिलाई करके ब्लाउज सिलाएंगे, तब ये जो झोल है ये नहीं आएगा। एक दो बार धुलाई करने के बाद जितना ब्लाउज का फैब्रिक है बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे, उसके बाद ब्लाउज पे कभी झोल नहीं आएंगे। जिन लोगों ने कभी इस तरीके से अस्तर कटिंग नहीं किया वो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर सही नहीं बनता है तो फिर मुझे बोलिएगा, मैं बोलूँगी ये बहुत ही अच्छा बनेगा, ट्राई करना। ये मैंने काट कर दिया। अगर अभी आप बोलेंगे तो ये जो ज़्यादा काँप रहे हैं, तो अभी सिलाई कैसे करना है, अभी सिलाई का तरीका बताऊँगी। ये जो कपड़ा और अस्तर है दोनों बराबर रखना है। आप मशीन से सिलाई करो या हाथ से करो, मैं हाथ से दिखा रहा हूँ। अभी इस तरह से सिलाई करना है, बिल्कुल बराबर रख के सिलाई करना है। ये जो ज़्यादा है धीरे धीरे इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके सिलाई करना है। आप ये मशीन से सिलाई करो या हाथ से सिलाई करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। जितना है पूरा अंदर डालना है। जितना ज्यादा कपड़ा था आए बराबर हो गया। ये देखिए बराबर हो गया, और इस साइड हल्का सा जो झोल है ये बाद में ठीक हो जाएगा। पूरा ऐसे ही करना है। अस्तर काटने का ये जो तरीका है ये सिर्फ ब्लाउज पे नहीं, कुर्ती कमीज जो अस्तर वाला होता है सब में सेम प्रोसेस है। अस्तर 1/2 इंच ज़्यादा लेके कटिंग करना है, तब बहुत ही अच्छा बनेगा, कभी भी ड्रेस पे झोल नहीं आएगा। ये जो छोटे छोटे तरीके हैं ये सब लोग बोलता नहीं, यूज़ सब लोग करते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं। एक बार इस तरीके से अस्तर कटिंग करके देखिए, बहुत ही अच्छा बनेगा ड्रेस। ये हो गया। अभी देखिए इस पे कहीं से भी ज़्यादा अस्तर दिखाई नहीं दे रहा है। जितना अस्तर ज़्यादा था ये मैंने अंदर सिलाई कर दिया। इस तरह से सिलाई करने से ब्लाउज पे कभी झोल नहीं आता। हमेशा 1/2 इंच अस्तर ज़्यादा लेना है। आप कितना भी धुलाई करो ये जो अस्तर है कभी कम नहीं होगा। एक दो बार धुलाई करने के बाद बिल्कुल बराबर हो जाएगा, जितना फैब्रिक है उतना ही अस्तर हो जाएगा। ये बैक पार्ट है, इस पे भी मैंने 1/2 इंच ज़्यादा रखा। जितना ब्लाउज का कॉटरी ब्लाउज का जितना पार्ट्स है सब में 1/2 इंच ज़्यादा रख के काटिंग करना है। इस तरह से करने से कभी ब्लाउज पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू।